बच्चों हमें बताया फिजिक्स का डेफिनेशन क्या है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास जो भी हमें दिख रहा है उसका एनालिसिस करना, उसको समझना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना, उसका स्टडी करना ही फिजिक्स है। ओके, थ्योरेटिकली तो हम फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते ही हैं, हम लाइट के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, थ्योरेटिकली तो हमें पढ़ना ही है, पर प्रैक्टिकली अगर इन सारी चीजों को हम समझते हैं तो इजीली सारी चीजों को हम क्लियरली समझ सकते हैं, बहुत इजीली समझ सकते हैं। और इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ही देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यूजिंग लेजर लाइट। लेजर लाइट की हेल्प से हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी वेरीफाई करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। वी नो दैट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर लाइट। ये कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली देखेंगे और आगे आने वाले सारे वीडियो में आप देखेंगे डिफरेंट प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लाइट, जैसे कि रिफ्रेक्शन, जैसे कि पोलराइजेशन, जैसे कि डिफ्रेक्शन, जैसे कि इंटरफेरेंस। एक एक करके मैं सारे प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ, सारे लाइट के जितने भी कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट है, हम एक एक करके प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड को शेयर करना है। तो बच्चों इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। हम रिफ्लेक्शन जो लाइट का फेनोमेना, लाइट की प्रॉपर्टी है, उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर देखेंगे। वैसे तो रिफ्लेक्शन आप इजीली समझ सकते हैं, रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं, पर हम यहाँ पर लेजर लाइट की हेल्प से रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसे प्रूव भी करेंगे। हम यहाँ पर प्रूव भी कर सकते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट हमको पता है, इट इज द रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम, लाइट रिफ्लेक्ट बैक बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस कॉन्सेप्ट, दिस फेनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यहाँ पर हम लेजर लाइट का यूज करेंगे, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से इक्विपमेंट हमको यूज करना है। लेजर लाइट का यूज करेंगे हम, ग्लास मिरर का यूज करेंगे और हमें डार्क रूम का यूज करना है। यहाँ पर लेजर लाइट हमको दिख रहा है, आप क्लियरली यहाँ पर लेजर बीम को देख सकते हैं, क्लियरली यहाँ पर लेजर बीम को देख सकते हैं। ग्लास मिरर पर जब लेजर बीम को हम इंसिडेंट कर रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर एक रे हमको दिख रही है। एंगल ये इंसिडेंट रे है, ओके इंसिडेंट रहे हैं, और एक दूसरा रे जो है वो रिफ्लेक्टेड रहे हैं, और नीचे ग्लास मिरर हम यूज कर रहे हैं। जब ये रे इस पर इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल नॉर्मल के साथ में जो है और इंसिडेंट रे का एंगल नॉर्मल के साथ में जो है वो इक्वल है। और यही कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन का कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अगर हम नॉर्मल इंसिडेंस की बात करें, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है जब आई इक्वल टू जीरो। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है? जब आई इक्वल टू जीरो हो, मतलब कि नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो आर इक्वल टू भी जीरो होना है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आर इक्वल टू भी क्या है? जीरो है। आर इक्वल टू क्या है? जीरो है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आई इक्वल टू अगर जीरो है तो आर इक्वल टू भी जीरो, इट इज द नॉर्मल इंसिडेंस। बच्चों जेई में, नीट में और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस नॉर्मल इंसिडेंट के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो हमको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पाथ यहाँ पर रिट्रेस करती है, रे जो है वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। अब हम अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे का इंटेंसिटी है, जो इंसिडेंट रे का इंटेंसिटी है और रिफ्लेक्टेड रे का इंटेंसिटी, आप क्लियरली देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे का इंटेंसिटी ज्यादा है और रिफ्लेक्टेड रे का इंटेंसिटी थोड़ा सा कम आपको दिख रहा है, थोड़ी सी ब्लर दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि ग्लास सरफेस के थ्रू इंसिडेंट रे का कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, सम फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ग्लास, ओके, तो रिफ्लेक्टेड रे का इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाता है, ओके? तो यहाँ पर हमको एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है कि
लाइट कुछ एब्जॉर्ब हो रही है सरफेस के। अगर कंटिन्यूसली हम ये लाइट इस पर इंसिडेंट करें तो ग्लास सरफेस थोड़ा सा हीटअप हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम 180 डिग्री की बात करें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर हम इंसिडेंट रे को 180 डिग्री देखें तो आर भी यहाँ पर 180 डिग्री अप्रोक्सीमेट आप देख पा रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 180 डिग्री है। ओके, अप्रोक्सीमेट हम देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे थोड़ा सा उसके ऊपर टच करें, ठीक है, देख लिया आप। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल 180 डिग्री। ओके, फिर थोड़ा सा अगर हम डिक्रीज करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को डिक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर डिक्रीज होता है। ओके, तो यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सारे कॉन्सेप्ट हमको प्रैक्टिकली समझ में आते हैं। ओके, थैंक यू।